मैं जो कह रहा हूं कि जब आपने इतना सब काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये खर्च किया, आपने सब कुछ किया, पर लोग अभी भी कहते हैं महाराष्ट्र जो है देश की टेरर कैपिटल है, बीमारी की कैपिटल है, स्वाइन में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के अंदर मरे। क्या हमने कहा कि महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू आया है? स्वाइन फ्लू के महाराष्ट्र के ऊपर थोड़ी है, वो तो बाहर प्रदेश से जो आदमी, और सिर्फ महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू नहीं हुआ है, देश के देश के अन्य राज्यों में भी स्वाइन फ्लू का फैलाव हुआ है। ये क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिए? कांग्रेस जिम्मेदार है, शिवसेना जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है? ऐसे कहीं वक्त होता है कि एपिडेमिक बाहर से आती है। कहां से आई है? जो लोग अमेरिका में जो रहते थे, जो वहां से आए, या यूके से कोई आए, वहां से लेके आए बीमारी, लेके आए, उतने सारे बाकी जगह भी गए ना, अमेरिका से, बाकी जगह दिल्ली में भी आते हैं, कलकत्ता में भी आते हैं। इसका मेरा सवाल क्या आपके सामने कि महाराष्ट्र जो एक फाइनेंशियल कैपिटल जी, महाराष्ट्र का सब जब आप कह रहे हैं इतना सब है, आज क्या लगता है महाराष्ट्र का मतलब टेरर, महाराष्ट्र का मतलब बीमारी, महाराष्ट्र का मतलब डॉन, ये सब महाराष्ट्र से सिंबल जो है? ये तो मीडिया का क्रिएशन है आप जो कह रहे हैं, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्या बॉम्ब ब्लास्ट अन्य राज्यों में नहीं हुए? राजस्थान में नहीं हुआ? क्या बाकी राज्यों में, दिल्ली में नहीं हुआ? कोई अलग राज्य जहां ये, इसको मैं कोई पार्टी से लिंकअप नहीं करना चाहता हूं। ये जो जो घटना, मैं कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो महाराष्ट्र का। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ महाराष्ट्र ही एक राज्य ऐसा नहीं है कि जहां पर ये सभी चीजें नहीं हुई, देश के अन्य हिस्सों में भी, देश के अन्य राज्यों में भी टेररिज्म के संकेत हमें मिले। टेररिज्म बाकी गुजरात में टेररिज्म का मामला हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, पर हर कदम पे हमने नया एक कुछ सीखा, उसलिए हमने नई उपलब्धि से नए इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी पुलिस दल को हमने ज्यादा स्ट्रांगर किया, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें हेल्प की है, प्राइम मिनिस्टर ने एनएसजी का हब यहां पर चालू कर दिया, हमारा फोर्स वन हमने शुरू कर दिया, वेपन्स हमने नए लाए, पुलिस दल को ज्यादा ताकत देने के लिए पिछले 6 महीनों में जो मुझ पर जिम्मेदारी आने के बाद में एक एक फैसला जो हमने लिया। लोगों का कहना है कि अभी समुद्र के ऊपर जो आप कुछ लगाने वाले थे, कुछ काम तो किया नहीं आपने? समुद्र के ऊपर पूरा, अब पूरी कमान जो संभाली हुई है वो देश के नेवी ने संभाली है, हमारा उसमें भी योगदान है, हमारी स्टेट की जो कैमरे कुछ लगाने थे, कुछ और करना था, सब काम कुछ भी नहीं किया। नहीं, आपको मैं ले जाऊंगा, मेरे साथ आई हेलीकॉप्टर में, आपको बताऊंगा कि क्या क्या सीमा पर हमारे पानी में, पर ये जरूर खतरा जरूर है। मैं ये नहीं कहूंगा खतरा पूरा टल चुका है, हमारे जितनी भी आज जो सबसे वल्नरेबल जो एरिया है कि सी रूट से, उसलिए प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली और सभी हमें उनको चेतावनी दी है कि आप समुद्र के जरिए आने, चाहे गुजरात के चीफ मिनिस्टर मेरे साथ में थे, नरेंद्र मोदी मीटिंग में थे, मैं था मीटिंग में, बाकी भी गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, तो जो भी कोस्टल एरियाज के लोग हैं उनको भी सावधान किया गया है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कोस्ट गार्ड है, हमारी नेवी है, पुलिस फोर्स है, ये सभी मिलकर ये सभी हमारे एरियाज को प्रोटेक्ट करने में। आप कहना ये खतरा कम हुआ है पर टला नहीं है? खतरा देखो ऐसा है कि पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा ना, पाकिस्तान मैं तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो चेतावनी हमें दी है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे वो हर कदम हमने उठाए हैं जहां को टेररिज्म रोकने के लिए और उसमें ध्यान और आप ध्यान देने के लिए पूरे हमने कदम उठाए हैं। और आप देखोगे कि कन्विक्शन रेट हमारी एटीएस की बात हो, हमारे जितने लोग लगे हुए इसमें सभी डिटेक्ट हो, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया का ब्लास्ट हो, ये सभी चीजों में बिल्कुल हम लोगों ने चार्जशीट करके लोगों को आईडेंटिफाई करके उसमें। मुख्यमंत्री जी, आपके एटीएस और पुलिस में झगड़े हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी में आपस में झगड़े हैं, झगड़े नहीं, ये एटीएस और मुंबई पुलिस, डीजीपी पुलिस और एटीएस, उनका झगड़ा, एनसीपी कांग्रेस का झगड़ा।